स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं, मेन टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उसमें से एक है परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइंस। ये दो ऐसे पॉइंट्स है जो फिजिक्स में अक्सर यूज होते हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये है जब दो लाइनें एक दूसरे के साथ इस तरह आ जाए, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये दो लाइनें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। अब जरूरी नहीं है कि बोर्ड पर दो लाइनें इस तरह लिखा जाए, आम लाइफ में भी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है, इसके साथ दूसरा पेन, या तो इस तरह करें, हम कहते हैं ये दोनों पेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, या फिर इस तरह करें भी, ये दोनों पेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। जहां आप उसको ले जाएं, ये एक पेन दूसरे पेन के साथ परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइनें एक दूसरे के साथ इस तरह आ जाए, जैसे कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, तो यहां पर हम लोग पैरेलल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब पैरेलल वाला लफ्ज जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोर्ड पर आ जाए, आम लाइफ में भी आप लोग यूज कर सकते। दो चीजें जब एक दूसरे के साथ इस पोजीशन में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त जमीन के मुकाबले में मैं पैरेलल हूं या परपेंडिकुलर हूं? बिल्कुल परपेंडिकुलर। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कहते हैं दो लाइंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। जब हम दो लाइनों को म्यूचुअली ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो फिर इसमें से हर लाइन का नाम होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये जो सिस्टम है इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा इंतजार करें कि इसका मकसद क्या है, बाद में बता दूंगा, अभी इसी लेक्चर में बता देंगे। सिर्फ इतना याद रखें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो लाइनें वो भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली पोजीशन किए गए हों। ऐसे दो लाइनों का जो सिस्टम होगा उसका नाम होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दो लाइनों में से एक लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाएगा, दूसरे लाइन को वाई एक्सिस कहा जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां पर ये दो लाइनें एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस जगह का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन मीन वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब ये ओरिजिन आ गया। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक टू डायमेंशनल, इसमें आप दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस दो लाइनों का जो सिस्टम है उसको आप शॉर्टकट में इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बस ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस को हमने शो नहीं किया हुआ है, और यहां पर एक्स एक्सिस को भी हम लोगों ने शो नहीं किया हुआ है। मतलब आप इसको आसानी से इस तरह लिख सकते हैं। आगे जब हम लोग जाएंगे फिजिक्स में, तो हम अक्सर टू डायमेंशनल सिस्टम को इस तरीके से लिखते हैं। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर क्या चीज है? एक एक्स एक्सिस वाला लाइन है, एक वाई एक्सिस का लाइन है, जब एक थर्ड लाइन आ जाए जेड एक्सिस, तो फिर इसका नाम होगा थ्री डायमेंशनल। दो लाइनें टू डायमेंशनल, तीन लाइनें थ्री डायमेंशनल। एक और मजे की बात, ये जो टू डायमेंशनल सिस्टम है इसको हम लोग बोर्ड पर यूज करते हैं, बोर्ड पर चीजों की पोजीशन को मालूम करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब कोई चीज इस तरह की पोजीशन में हो कि एक वेक्टर आपकी तरफ हो, एक ऊपर की तरफ हो, एक नीचे की तरफ हो, एक मेरे तरफ हो, तो इस केस में आप कैसे इसको लिखोगे बोर्ड पर? क्या आप में से कोई भी इस चीज को लिख सकते हैं बोर्ड पर? नहीं लिखा जा सकता ना, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा बोर्ड की तरफ आया हुआ है, कुछ आगे गया है, कुछ राइट पे, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ है। ऐसे चीज को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल
स्टडी, जब आप उसका हर साइड आगे पीछे ऊपर सब एंगल से आप उसको देख रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल स्टडी। तो ऐसे चीज को बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता, आई थिंक अगर आप इसे कोई लिख सकते तो बता दे, नहीं लिख सकते। अलबत्ता अगर ऐसा कर दूं मैं, तो कोई भी आप में से कोई भी शख्स ये जो सिस्टम है इसको बोर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कितना आसान है, बोर्ड पर उसको लिख सकते हैं। तो इस केस में उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल स्टडी, ठीक है, ऐसी चीजों का जिसमें मुख्तलिफ डायरेक्शन में हूं। इस केस में दो लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे केस में हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है जिसमें हम किसी भी चीज को हर पोजीशन में देख सके। अगर आप सिर्फ दो प्लेन्स में किसी चीज को स्टडी करना चाहते हैं तो टू डायमेंशनल काफी है, और अगर मुख्तलिफ स्पेस में मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो वेक्टर चले गए तो फिर इसको स्टडी करने के लिए ये काम नहीं देगा आपको। ऐसे केस में आपको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करना होगा। तो थ्री डायमेंशनल में से एक एक्स एक्सिस आएगा, एक वाई आएगा और एक जेड एक्सिस आएगा। एक और बात, इसको पॉजिटिव एक्स कहेंगे, इसको नेगेटिव एक्स। अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये इसको तो इसके ऊपर एक बार लगाते हैं। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, ये आपका वाई एक्सिस आ गया और ये आपका जेड एक्सिस आ गया। दरअसल अगर मैं आपको इस ये डायग्राम हकीकत में आपको मैं पेन से ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है, वन टू एंड थ्री। इनमें से ये जो सुर्ख लाइन है ये y एक्सिस है आपका, ये आपका x एक्सिस है, और पता है ये जो z लाइन है जो बोर्ड में नीचे की तरफ आ रहा है दरअसल वो ये है। तो ये जो पेन आपकी तरफ आ रहा है इसको बोर्ड पे लिखने के लिए हम इस लाइन की जरूरत है। तो बोर्ड पर जो z लाइन है दरअसल वो लाइन आपकी तरफ आया हुआ है, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दिस। ये आप ये भी कह सकते हैं कि दो लाइनें एक ऊपर है एक राइट साइड पर है, जेड लाइन हकीकत में स्टूडेंट की तरफ है। सो ये रहा आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां तक आसान है, लेकिन इसका मकसद क्या है, इसको हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, दो लाइनें तीन लाइनें क्या, किस पर्पज के लिए? तो पर्पज ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशनल आर थ्री डायमेंशनल सिस्टम, वेक्टर का डायरेक्शन को शो करने के लिए। देखो वेक्टर का डायरेक्शन तो हमेशा किस में आ सकता है, ईस्ट की तरफ आ सकता है, अच्छा ईस्ट की तरफ आ सकता है, नॉर्थ की तरफ आएगा, चलो भाई साउथ की तरफ आएगा, हाँ ऐसा आएगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर आपकी तरफ फिर क्या करोगे, इस तरफ फिर क्या करोगे, इस डायरेक्शन में हो, मुख्तलिफ अगर मुख्तलिफ डायरेक्शन में आ जाए तो फिर आप उसके डायरेक्शन को कैसे एक्सप्रेस करोगे। एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें वेक्टर के डायरेक्शन को बता सके, हमें वो भी किस चीज में, डिग्रीज में। तो इसकी वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आइए ये हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर ने यहां पर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया हुआ है। दिस इस एंगल को हम किस चीज से शो करते हैं, थीटा से। थीटा इज एंगल मेड बाय द वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक्स एक्सिस के ऊपर वेक्टर जो है यहां पर भी आ सकता है, वेक्टर यहां पर भी आ सकता है, ये मूव करेगा मुख्तलिफ डायरेक्शन में वेक्टर आ सकता है। अगर वेक्टर यहां पर जैसे कि एंगल कितना है, तो हम कहते हैं ये वेक्टर का डायरेक्शन है। आज के बाद वेक्टर का डायरेक्शन को हम लोग डिग्रीज में रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ने 30 का एंगल बनाया हुआ है तो ये वेक्टर का डायरेक्शन है। वेक्टर थोड़ा ऊपर चला गया, 45 का एंगल बना लिया तो ये वेक्टर का
डायरेक्शन है। अब वेक्टर जहां भी जाएगा वो अपना एंगल बनाएगा। यहां पर भी वेक्टर अपना एंगल बना सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ, जहां पर भी आप उसको लेके जाओगे तो अपना एंगल बनाएगा। इस सिस्टम का मेन पर्पज आ गया डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अच्छा, यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सुर्ख लाइन जो है ये वेक्टर है, और उसके ऊपर पी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजिशन को। यहां पर ए और बी का मतलब क्या है कि चूंकि दो लाइनें हैं, अगर आपने इस पॉइंट तक आना हो तो आप एक्स एक्सिस की मदद से भी ऊपर आ सकते हैं और वाई एक्सिस के जरिए से भी आप यहां आ सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा बिठाऊंगा, लेकिन आप देख लें, वाई एक्सिस से भी आप इस पॉइंट तक आ सकते हैं तो इसको ए लिखेंगे, एक्स एक्सिस से भी आप लोग आ सकते हैं तो बी लिखेंगे। लिहाजा टू डायमेंशनल में हम लोग सिर्फ ए और बी लिखेंगे, जबकि थ्री डायमेंशनल में हम लोग ए बी सी लिखेंगे। क्योंकि थ्री लाइंस है तो हम लोग तीन कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, ए बी सी को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ए से मुराद आप एक्स एक्सिस से भी यहां पर पहुंच सकते हैं, बी से मुराद आप वाई एक्सिस से यहां पर पहुंच सकते हैं, सी से मुराद आप जेड एक्सिस से भी यहां पर आके पहुंच सकते हैं। तो तीन लाइनों के लिए ए बी सी, जरूरी नहीं है कि ए बी सी हो, आप लोग अपने मर्जी का कोई भी दूसरा लफ्ज इधर यूज कर सकते हैं, एक एच क्यू ए एस जेड वाई, जो भी आप लोग इधर लाना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हैं। बट इतना याद रखिए कि तीन का मतलब है, तीन कोऑर्डिनेट्स मींस एक एक्स एक्सिस के लिए है, एक वाई एक्सिस के लिए है और तीसरा जेड एक्सिस के लिए। तो टू डायमेंशनल में हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सिर्फ दो। अगर ये वेक्टर है तो हम यहां पर p इज इक्वल टू ए और बी लगाएंगे। थ्री डायमेंशनल में हम लोग ए बी और सी बनाएंगे। इसके साथ था टॉपिक कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉज कीजिए।